Hello everyone, a very happy Women's Day to all the lovely females out there. Myself Palak Mandhyan welcomes you all to Influence Her Season 2, initiated by Girl in Neighbor and powered by iVIPANAN. So let me tell you what is Influence Her. Influence Her ek series hai for the females of Surat City. Females jo apni life mein koi bhi tarah ka motivation dhoond rahe hain. Females be it a housewife or a working female. Har kisi ko thoda motivation zaruri hota hai. Aap jaisi aur bhi ladkiyan hain jo लाइफ में एक सक्सेसफुल लेवल पे पहुंच चुकी है और कुछ ऐसी जिन्होंने अभी जस्ट अपना एक जर्नी स्टार्ट किया है. सो टुडे वी विल मीट वन सच फीमेल who will influence everyone out there, Srushti Bothra. Srushti Bothra is a young and enthusiastic dietitian in Surat. She has completed diploma in dietetics, health and nutrition from VLCC Institute and specializes in weight loss management. She is also certified in fat diets and blood group diets that plays an important role in your complete weight loss journey. Hello Srushti, how are you? I'm fine, Palak. Welcome to InfluenceHer. We would like to ask you some few questions jo hamari puri community jitni bhi girl and neighbor ki community ki females hain un sabko influence karenge. I want to know aapki ab tak ki journey ke bare mein, uske bare mein thoda humko bataye. Sure. Firstly, I'm from English medium school, so CBSE से मैंने education लिया and मेरे parents doctor हैं, both the parents. तो it's natural कि doctors के kids mostly try करते to be doctors. So same way I went for science stream, I opted for PCB, physics, chemistry और biology. But मैं maths में इतनी अच्छी नहीं थी और मेरा interest था भी नहीं इतना actually doctor बनने में. Just I gave a try और it did not go well. तो फिर मैंने आर्ट्स ले लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सोशल साइंस में हमेशा से था. बचपन से मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का मन में था. बट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो गए कि मेरी शादी जल्दी हुई एक्चुअली, तो पढ़ाई अधूरी रह गई, शादी हो गई एंड न्यू फैमिली जो है मेरी वी आर मारवाड़ी. तो मारवाड़ी कम्युनिटी थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं. तो शादी के बाद एक साल तक तो मैंने खुद को सेटल होने का टाइम दिया, मैंने पढ़ाई का सोचा भी नहीं. पर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अप्लाई किया क्योंकि कॉलेज आना जाना पॉसिबल होता नहीं है शादी के बाद. तो फिर डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सोशोलॉजी में स्पेशलाइज करके. और तब तक जैसे मेरी शादी को 2 से 3 साल हो चुके थे, मैंने ये नोटिस किया कि मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है खुद का. जैसे क्योंकि मारवाड़ी घर का खाना ऐसा होता है, लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि शादी से पहले मैं बहुत फॉलो करती थी अच्छे से अपना रूटीन, बट शादी के बाद सब चेंज हो गया एंड अब लोग भी बोलने लगे कि तू मोटी हो गई है. और वो मुझे बहुत चुभा था एंड उस टाइम टर्निंग पॉइंट रहा मेरी जर्नी का कि मुझे फिटनेस में अभी अपना करियर या फिर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए. जी. एंड आपके करियर में आपके लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन रहा है? बीट फ्रॉम समवन फ्रॉम फैमिली और समवन फ्रॉम योर इन लॉज और योर मेंटर्स फ्रॉम द कॉलेज, एनीवन जो आपके लिए सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर रहे हैं? द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर यू कैन से द पर्सन जिसके कारण मैं आज इस फील्ड में हूँ, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. वो ही इज़ इन टू फिटनेस, जैसे उसको फिटनेस का बहुत शौक है, बहुत नॉलेज है. तो जब मैं बहुत फैट हो गई थी, सो आई जस्ट मैंने उसको बोला कि यार बहुत वज़न बढ़ गया है मेरा, मैं क्या करूँ, तू मुझे हेल्प कर. तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि वर्कआउट्स क्या करने. मैंने जिम वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया, घर पे वर्कआउट्स करती थी, वॉक के लिए जाती थी, खाने का ध्यान रखती थी, कोई क्रैश डाइट नहीं किया एंड 2 महीने में मेरा 13 kg तक लूज़ हो गया. बहुत जल्दी लूज़ हुआ. तो मैं खुद सोचने लगी कि यार
थोड़ा अगर हम खुद पे ध्यान रखते तो कितना कुछ हो सकता है और फिटनेस कितना ज़रूरी है, ये सब ख्याल आने लगते हैं। एक बार खुद में चेंज आता है तो हम सोचने लगते तो और तभी मुझे ऐसा भी था साइड बाय साइड जब मैं वेट लूज़ कर रही थी कि सिर्फ ग्रेजुएट होके मुझे बैठना नहीं है घर पर, अंदर एक आग जलती रहनी चाहिए कुछ ना कुछ सीखने की। और जॉब इज़ नॉट पॉसिबल कि आई एम फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, हमारे घर में ऐसा है कि आदमी लोग कमा रहे थे तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं। तो फिर मुझे सीखना था कुछ, पर सोच रही थी मैं और सीखूँ क्या जो मुझे यूज़फुल हो। और वेट लॉस होने के बाद मुझे लगा ये परफेक्ट चीज़ होगी, आई एम गुड एट बायोलॉजी, बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका था। तो फिर मैं सोच ही रही थी क्या करूँ, कॉलेज जा नहीं सकती, तब VLCC इंस्टीट्यूट का मैंने सर्च करके पता किया। फिर भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ, क्योंकि घर पे बताना इट्स quite difficult. So you kept it like your own secret and you went forward for it. Not my secret, my and my husband's secret. Okay. It was. So he was also a big support for you. Yeah, he was the biggest support pillar. Okay. And आपके खुद के challenges, आपने जैसे बोला कि आपका weight बढ़ गया था after you got married and people were saying कि यार you have gained a lot. Yeah. So was it like कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं जस्ट, और वो खाली कि एक सिर्फ वेट बढ़ गया है या दूसरे भी इश्यूज थे आपके करियर के चैलेंज में? इश्यूज आफ्टर आई स्टार्टेड फॉर VLCC, जैसे मैंने क्लासेस ज्वाइन की, मैंने घर पे पहले तो बताया नहीं, मैंने बोला मैं मैनेज कर लूँगी, जैसे जो मेरी घर की ड्यूटीज़ है सुबह सबका ध्यान रखना, लंच ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद मेरे पास बहुत फ्री टाइम है। तो VLCC में मेरा क्लास का टाइम 1-3 था, सो मैं फटाफट पूरा काम ख़त्म करती थी और मैं चली जाती थी कि हाँ कहीं जा रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ, बस इतना बताया था, डिटेल में मैंने कुछ बताया नहीं था। तो ऐसे ही चलता रहा, 1-1.5 साल निकल गया, मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब खड़ी हुई कि मुझे इंटर्नशिप कंप्लीट करना था। न्यूट्रिशन या डाइट के फील्ड में इंटर्नशिप में ऐसा होता है कि कम से कम मुझे 6 घंटे देने पड़ते हैं हॉस्पिटल में रोज़, और वो घर पे पूरी बात किए बगैर पॉसिबल था नहीं कि मैं, मुझे घर पे तो बताना ही पड़ेगा अगर मुझे 6 घंटे कहीं जाना है। और लोगों को थोड़ा पता था ये कहीं जाके कुछ सीख रही है, क्या सीख रही है मैंने कुछ बताया नहीं था। तो फिर मैंने बैठ के बात की मेरी मदर इन लॉ से कि मम्मी मैं तो 1.5 साल से सीख रही हूँ, आपको पता है? बोले हाँ कुछ तो सीख रही है तू, खाने पीने का सीख रही है इतना मुझे पता। मैंने बोला तो उसके लिए मुझे अब इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा। और तब हालात ऐसे थे घर के कि मेरी दादी सास जो है तो वो काफ़ी बीमार रहते थे, और भी बुजुर्ग है घर में, तो उनका ध्यान रखना, हमारी ड्यूटीज़ पूरी बांटी हुई हैं जैसे। तो ऐसा हुआ कि मम्मी को ज़्यादा लोड पड़ गया, तो मम्मी बोले कोई बात नहीं, अभी तूने 1.5 साल तक पढ़ाई की है तो वेस्ट मत जाने दे, अब 3 महीने के लिए कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने संभाल लिया, इसलिए मैं हर जगह किसी ना किसी ने मुझे हेल्प किया है, उन्होंने संभाला तो मैं आगे जाके इंटर्नशिप कंप्लीट कर पाई। और मम्मी बोले अब के आगे हो गया तेरा, तो जॉब तो सवाल ही नहीं उठता, आज भी सवाल ही नहीं उठता जॉब का, क्योंकि उतना वक्त है नहीं मेरे पास। आई एम अ हाउस वाइफ फर्स्टली, सेकेंडली डाइटिशियन। तो फिर तब मैंने सोचा कि यार कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तब मैंने ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड ये सब बेस्ट रहेगा मेरे लिए सोच के फिर ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, खुद का इंस्टाग्राम पेज फेसबुक पेज बनाया, अपने फ्रेंड्स को बताया वाया वाया और लोगों को पता चले ऐसा। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स, जैसे अभी इट्स 2-3 ईयर्स की अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्लाइंट्स के, एंड मैं ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करती हूँ। So we have been knowing about your challenges and many other successful points that you have reached now, and I would want you to tell हमारे कम्युनिटी की सारी फीमेल्स को कि आप अपनी साइड से क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं सूरत की सब फीमेल्स को, जिससे वो भी इन्फ्लुएंस हो। यू नो, सूरत में आज भी ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अभी भी हाउस वाइफ है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है उनके करियर के लिए, उनका करियर एक पॉइंट पर स्टॉप हो गया है, या फिर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनके घर में परमिशंस तो हैं बट स्टिल उन लोगों को अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इतना खुद से एक डिमोटिवेशन हो गया है कि हम नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज दैट मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहती हैं सारी फीमेल्स को? फर्स्ट मैसेज इज खुद के अंदर क्या कभी मत पूछने, तो हमेशा कुछ ना कुछ करने की चाहत रखो, खुद के लिए सबसे पहले कुछ करो फिर दूसरों के लिए। और हाउसवाइफ होना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे बड़ा काम है। इवन वर्किंग वूमेन कुछ घंटे काम करते हैं, ठीक है, हाउसवाइफ का काम सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता है, एंड हैट्स ऑफ बिकॉज मैं खुद जानती हूँ कितना लोड होता है। तो इट्स अ
नॉट ऐसी बात नहीं है कि बहुत छोटा काम है कुछ हाउसवाइफ रहना, पर आप कुछ करना चाहते हो तो जो आपको सपोर्ट करते हैं हमेशा उनसे कॉन्टैक्ट में रहो, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपकी बात समझते हैं उनसे बात करो, कोई ना कोई हल निकल ही आता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। और जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या तो उनको अनसुना कर दो या उनसे दूर रहो। अगर आपकी फैमिली में तो अनसुना तो होता नहीं है, पर ठीक है निगलेक्ट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मेरी सास को भी लोग बोलते थे क्यों करने देते उसको, इतना ज़रूरी है नहीं करना, बट वो बोले इसको करना है करने दो, कोई नुकसान है नहीं करने में। सो एक प्यार से समझाओ, अपनी बात रखने की कोशिश करो, और वैसे लोगों से हमेशा करीबी बनाए रखो जो यू नो आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे। और लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इट यूज़ टू बी सेड कि हर कामयाब औरत के पीछे आदमी का औरत का हाथ होता है, बट अभी सब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, सो वाइस वर्सा हो सकता है। लाइक मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है कम्प्लीटली, एंड मैनी पीपल आर देयर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बट ही वॉज देयर एज अ ढाल की तरह खड़ा था कि कोई कुछ बोले तो भी ही वॉज देयर टू सपोर्ट मी, इसलिए आज तक मैं इस मुकाम पर पहुँच सकी। सो यू सी फीमेल्स देयर, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि हम अकेले हैं जो हम अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, हमारे जैसी पूरी दुनिया में बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने बहुत डिफिकल्टीज फेस की है, एंड यू नो जस्ट लाइक सृष्टि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड आई होप सबको अपनी साइड पे एक इन्फ्लुएंशियल मैसेज मिल गया होगा दैट हाउ यू हैव टू ग्रो एंड हाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन सक्सेस पाथ। And thank you so much, Srishti. It was very, great to talk with you. And thank you so much for sharing your valuable words with us. My pleasure. हमारे girl and neighbor community के बारे में कोई भी inquiry करना चाहते हैं तो please नीचे दिए गए number पर हमें contact करें।